हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 1। नाउ डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला को ही हम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स भी कहते हैं। थ्योरम, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, एंड बी x2 y2, इज गिवन बाय, दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर यूनिट्स। स्टूडेंट, यहां हम डिस्टेंस फार्मूला टू डायमेंशन के लिए स्टडी कर रहे हैं, तो 2D में डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, पॉइंट है ए x1 y1 एंड बी x2 y2, इज गिवेन बाई ए बी इक्वल टू रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। नाउ प्रूफ, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कंसीडर करेंगे। आप लोगों को क्लास 9th में भी बताया गया है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, फिर सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और यह फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस साइन लेते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस हम साइन लेते हैं। ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्स डैश, वाई डैश, पॉइंट है ए बी, यहां बना ले रहे हैं ए, ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, फिर यहां पर बी, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। स्टूडेंट, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर यहां हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। सपोज कर ले रहे हैं कि यह m पर जाकर के मिल रहा है, फिर बी से परपेंडिकुलर हम ड्रा करेंगे, ये सपोज कर ले रहे हैं n पर मिल रहा है, ये 90 डिग्री होगा, और a को b से हम ज्वाइन कर देंगे क्योंकि इसी के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। जब a का कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो om की वैल्यू या om के बीच का डिस्टेंस होगा x1, और जब b का कोऑर्डिनेट x2 y2 है तो o से लेकर के m तक का डिस्टेंस हो जाएगा x2, और यहां पर a का कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो am की वैल्यू स्टूडेंट हो जाएगा y1। फिर यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दे रहे हैं a से, पॉइंट a से bn पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इसको हम सपोज कर ले रहे हैं c। am यदि y1 है तो cn भी y1 ही होगा, तो यह भी हो जाएगा y1। अब स्टूडेंट, b का कोऑर्डिनेट यहां पर x2 y2 है तो bn की वैल्यू या bn का लेंथ y2 होगा। यहां पर cn का लेंथ y1 है, bn का लेंथ y2 है, तो bc का लेंथ हो जाएगा, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन b एंड c, तो यह जो डिस्टेंस होगा यह y2 - y1 के इक्वल होगा, y2 - y1 हो जाएगा। b से लेकर के c तक का डिस्टेंस y2 - y1 होगा, क्यों? क्योंकि bn का वैल्यू या bn इज इक्वल टू है y2 और cn इक्वल टू है y1, तो यही रीजन है कि bc की वैल्यू हो जाएगा y2 - y1। on की वैल्यू x2, on इक्वल टू, यहां x2 है, om इक्वल टू x1 है, तो mn की वैल्यू हमें निकालना है, तो हो जाएगा x2 - x1,
तो यहां से यहां तक हो जाएगा यक्ष टू माइनस यक्ष वन। स्टूडेंट जब यमयन की वैल्यू यक्ष टू माइनस यक्ष वन है तो एसी की वैल्यू भी हो जाएगा यक्ष टू माइनस यक्ष वन। एसी की वैल्यू यहां से यहां तक हो जाएगा यक्ष टू माइनस यक्ष वन। नाउ फ्रॉम फिगर अब हम फिगर से इंट्रेंगल बी सी ए लिया जाए। इंट्रेंगल बी सी ए तो ट्रेंगल बी सी ए एक राइट एंगल ट्रेंगल होगा और इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहे हैं। तो लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया जाए। जब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस है ए बी, तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा ए बी स्क्वायर दिस इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू कितना है एक्स टू माइनस एक्स वन, तो हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू है y2 टू माइनस वाई वन, तो हो जाएगा y2 टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। यहां हमें ab की वैल्यू यहां पे फाइंड आउट करना है। दिस इंप्लाइज दैट ab इक्वल टू स्क्वायर रूट हो जाएगा रूट में x2 टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर और यहां हो जाएगा यूनिट्स। दिस इंप्लाइज दैट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी दिस इक्वल टू ए बी एंड दिस इक्वल टू रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर यूनिट्स। और डिस्टेंस फार्मूले को स्टूडेंट आप लोगों को याद रखना होगा। इसी का एक कॉरलरी है, इस कॉरलरी को भी आप लोगों को याद रखना होगा। कॉरलरी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट PXY from the origin O, origin का coordinate हो जाएगा 0, 0 is given by OP is equal to root में तो x minus हो जाएगा 0 square क्योंकि origin का coordinate है 0, 0 हो जाएगा x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और यहां हम लिख लेंगे यूनिट्स। इसे भी आप लोगों को याद रखना होगा। स्टूडेंट टाट पोर्शन का नोट्स आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्टेंस फार्मूले पर डिपेंड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक्स।